भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिससे स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का सफ़र? आइए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। कल्पना के पिता बनारसी लाल और मां का नाम संयोस्ती चावला था। घर में सबसे छोटी कल्पना कम उम्र में ही अंतरिक्ष फ्लाइट के सपने देखने लगी थी। अपने 4 भाई बहनों में कल्पना चावला सबसे छोटी थी। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। बड़े होने पर उन्होंने फ्लाइट इंजीनियरिंग करने का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चली गईं। उस समय ये मात्र 20 साल की थी। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग से मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान इनकी मुलाकात फ्रांस के जान पियरे से हुई, जिससे इन्होंने शादी कर ली। इसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। सन 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर दिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर दिया। 19 नवंबर 1997 को इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने अपने दूसरे मिशन के लिए कल्पना चावला को सेलेक्ट किया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे स्पेस में रहने के बाद जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक स्पेस में शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण वे सभी बेहोश हो गए। उनके शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा, जिससे शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने के और गैसों के कारण शटल धुएं की सफ़ेद लकीरों में बदल गया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए। ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों और ग्रहों को टिमटिमाते तारों को छूने की अगम्य इच्छा थी। आज वो कल्पना सितारों में कहीं खो गई, जिसकी प्रेरणा लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।